वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अच्छा जी आज का टॉपिक है कि कॉइन मार्केट कैप क्या है हाउ इट वर्क्स और हमारा यूज़ एज अ क्रिप्टो ट्रेडर क्या है इस पर ठीक है अच्छा सबसे पहली बात ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे प्रीवियसली अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता देता हूँ ओवरव्यू जो है चैनल का आप जाके देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा ठीक है प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं बेसिक कोर्स बिगिनर्स कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस का इंक्लूडिंग कैंडस्टिक पैटर्न्स और जो बेसिक्स हैं क्रिप्टो की हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स ट्रांजैक्शंस किस तरह से काम कर रही है ताकि आपको ये तो पता चले ना कि जिस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो तो हाउ इट वर्क्स ठीक है अच्छा खैर स्टार्ट करते हैं बिसमरमान रहीम कॉइन मार्केट कैप जो है मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कॉइन मार्केट कैप का यूज़ क्या है ठीक है एज ए न्यू भी आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ के रैंक्स एक्सचेंजेस मार्केट कैप सर्कुलेटिंग सप्लाई डोमिनेंस हर एक चीज़ मिल जाती है ठीक है सबसे पहले हम जाएंगे देखें क्रिप्टोज कितनी है एक्सचेंजेस कॉइन मार्केट कैप कितना है सब प्रोजेक्ट्स का ठीक है क्रिप्टो करेंसीज ठीक है क्रिप्टो करेंसीज पे हम क्लिक करते हैं ठीक है यही मेन जो वेबसाइट है यही है ठीक है नेक्स्ट डोमिनेंस गैस फी एंड ऑल अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज करेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सी करेंसी यूज़ करना चाहते हो अपने लिए ठीक है नाइट मोड यहाँ से आप लगा सकते हैं ईजीली ठीक है दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ ये डायमंड्स पर आप क्लिक करते हो ना तो इसको आप जब क्लेम करते हो ठीक है कलेक्ट कर सकते हो आप हर रोज़ के हिसाब से ठीक है तो ये फ्यूचर में इसका कोई ना कोई इंशाल्लाह यूज केस आएगा काम आएगा आपके ठीक है अभी फ्री मिल रहे हैं ये लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा इसके लिए चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ एज अ क्रिप्टो ट्रेडर हमेशा हर रोज़ आपने 24 घंटों में एक बार ज़रूर कॉइन मार्केट कैप ओपन करके रैंक्स देखने होते हैं टॉप 10 प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं जैसे कि आप देखें तेरा लूना है सोलाना है कर्डाना है ये तीनों एक दूसरे को इंक्लूडिंग एवलांच एवैक्स ये फ्लिप करते रहते हैं एक दूसरे को क्यों करते हैं उसकी रीज़न ये है कि ये सब अच्छे हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं ठीक है ये लोग फ्लिप करते रहते हैं एक दूसरे को आपने ये देखना होता है कि ये क्यों इसका मार्केट कैप क्यों बढ़ गया इसकी डिमांड क्यों बढ़ गई उसकी सप्लाई क्यों बढ़ गई दिस इन दैट ठीक है उसमें मैंने डिटेल में नहीं जाऊंगा टाइम जाया नहीं करूंगा आपका ठीक है सो so होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा अब देखिए सबसे पहली चीज ये कि, कि किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले मैं बिटकॉइन पर क्लिक कर लेता हूँ ठीक है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या देखना है रैंक रैंक तो वन है ठीक है कोई भी चीज कोई भी प्रोजेक्ट मैंने देखना है तो उसको मैंने रैंक देखना है पहले रैंक किस रैंक पे चल रहा है वो मार्केट कैप के हिसाब से ठीक है कितनी बड़ी कंपनी है प्रोजेक्ट है ठीक है अच्छा प्राइस ये लो हाई वॉल्यूम एंड ऑल सारी चीज़ें बाय आप बाय पे क्लिक करते हो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सचेंज गेम दिस एंड दैट अच्छा मार्केट कैप मार्केट कैप पे आपको ये बता रहा है फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप ठीक है नेक्स्ट जो है वॉल्यूम है 24 फोर आवर्स का सर्कुलेटिंग सप्लाई अब देखो किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने से पहले आपने ही मैक्स सप्लाई टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लेनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको पता चले कि कितना माइन हो चुका है और कितना हो रहा है अगर किसी भी प्रोजेक्ट की क्वांटिटी माइन होना बाकी है तो उसकी प्राइसेस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इम्पैक्ट पड़ सकता है ठीक है नीचे की तरफ आ सकती हैं जैसे कि एस एल पी एम एड हो रही है जैसे कि बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि माइन हो रही है तो उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है इसीलिए डिमांड कम हो रही है प्राइसेस नीचे गिर रही हैं ठीक है इस चीज़ को समझे मैं इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगा उस पर चलें जी नेक्स्ट ये है कि मैंने मार्केट सीखनी है ठीक है मार्केट पे क्लिक करना है ओवर तो आपको चार्ट बता रहे ना वो मार्केट पे क्लिक करना है आपको किसी भी प्रोजेक्ट को जज करना है तो आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करते हो आपको मिल जाता है कि ये मैं जो है यहाँ से देख सकता हूँ कि किस किस प्रोजेक्ट को किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है ये ठीक है मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई और देख लेता हूँ चलो टेन अप देख लेते हैं ठीक है अप पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये यह कहाँ चला गया मैं अच्छा <coughs> हम जो हैं टेनअप पे क्लिक करते हैं सिंपली ठीक है टेनअप पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा मैं जो है नीचे की तरफ आऊँगा ठीक है ये तो मैंने तो आपको बाकी का बता दिया टाइम आने नहीं करेंगे उस पर मार्केट पे क्लिक करूँगा ठीक है मार्केट मुझे बता रही है यूनिफॉर्म पे अवेलेबल है ओकेक्स पे अवेलेबल है स्टेक क्यूब पर अवेलेबल है बाकी सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है दिस इन दैट ठीक है तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को देखना होता है जज करना होता है बस इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मुश्किल नहीं है ठीक है होप फुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी चले जी वाइंड अप करते हैं और होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जाएं फेसबुक ग्रुप में पूछें क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दुआओं में याद रखें वालों